हमारे लिए देसी स्टाइल में किचन बनाने के लिए, जो कि हमारे घर के पीछे बाड़ी में बनेगा। इडली बनके रेडी हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी स्पंची और काफ़ी काफ़ी अच्छा बना है इडली। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी मैं जस्ट आ रहा हूँ अपनी ड्यूटी से, और आते ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। और ये देखिए मेरा प्यारा सा घर, चारों तरफ हरा भरा है। तो गाइस, आज कुछ कुछ काम भी है और साथ में कुछ डिशेज भी हम लोग बनाने वाले हैं। और मेरा नया चैनल ओपन हो गया गाइस, जाकर जरूर देखिएगा, स्वादिष्ट कुकिंग चैनल नाम है, सर्च कीजिएगा, मेरा लोगो भी आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन चैनल मैंने खोल लिया है, जिसमें आपको रेगुलर स्वादिष्ट चीज़ें और कुकिंग से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ उसी की तैयारी करने, क्योंकि आज हो सके तो हम बनाने वाले हैं अपने लिए एक देशी किचन, और उसमें ही कुछ ऐसा डिश बनाने वाले हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए ब्लॉग पे, और देखते हैं अभी घर में सब सो के उठे हैं कि नहीं। तो फिलहाल तो हम आ गए हैं घर। कालो, ओए कालो, देख रहे हो कहाँ जा रहा है एक जन बंदर हमारा। तो कल का हमने विश्वकर्मा भगवान का पूजा किया था, तो अभी भी देख सकते हैं स्कूटी में लगा हुआ फूल, मेरे बाइक में भी लगा हुआ है। चलते हैं घर, तो लगता है सब सो के उठे नहीं है अभी। तो गाइस, सब सोए हुए हैं अभी और हम भी आ गए रूम में, तो जल्दी जल्दी फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं ब्लॉग में। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग। फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ और अब आज हम बनाने वाले हैं इडली। तो उसके लिए अब सारी सामग्री तैयार करते हैं, और मैं जाके अभी गैस वगैरह फिट कर लेता हूँ, फिर आज मॉम बनाएगी अपने हाथों से इडली। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग पे। आ गए हैं अपने किचन में और पापा जी नारियल छील रहे हैं अभी, जो कि इडली का चटनी बनाना है उसके लिए, नारियल चटनी। ये हथरी दिया है नारियल छीलने का। तो गाइस, अब बनेगा नारियल में मिर्ची धनिया डालकर चटनी बनाया जाएगा सिंपल सा। अब इडली बनाना शुरू हो चुका है, आपको प्रोसेस, फुल प्रोसेस आपको मेरी कुकिंग वाली चैनल पे मिल जाएगा, जाकर देखना जरूर, स्वादिष्ट कुकिंग चैनल सर्च करना और मेरा चैनल आ जाएगा। मेरे इस चैनल के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और मेरे चैनल में मैंने मेंशन भी कर दिया चैनल को। तो चलिए जल्दी जल्दी अब बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपको खाकर भी दिखाएँ कैसा बना है। तो आप ये देख सकते हैं गाइस, इडली बनके रेडी हो चुका है, बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, बनकर तो रेडी हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। रेसिपी का फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, काफ़ी तगड़ा बना है। अब इसका चटनी रेडी किया जाएगा, तो चलिए उसको भी आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, और फुल वीडियो अच्छे से मेरे चैनल पर डल जाएगी, जाकर देखना जरूर। तो ये बन चुका है इडली, तो चलिए। अब डलेगा गाइस नारियल के चटनी जो हमने बनाया था मिक्सिंग पीस के, उसके ऊपर सारे मसाले डल जाएंगे। हो चुका है और अब प्लेट में सब भी हो गया, तो हम टेस्ट करके भी आपको दिखाएंगे कैसा बना है कैसा नहीं। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग पे। तो जबरदस्त बना है गाइस इस इडली वगैरह, खाना वगैरह तो सब चीज़ हो गया, आपने देखा भी ब्लॉग पे, और इसका फुल वीडियो तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, स्वादिष्ट कुकिंग चैनल नाम याद रखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, चैनल में भी मैंने मेंशन कर दिया है। और अब हम जा रहे हैं हमारे लिए देसी स्टाइल में किचन बनाने के लिए, जो कि हमारे घर के पीछे बाड़ी में बनेगा। और अभी पापा उसके लिए हथियार वगैरह, धार वगैरह कर रहे हैं, सब बांस वांस काट के अच्छे से सीट वीट लगा के बनाएंगे। तो अब बने रहिए ब्लॉग पे, आज दिन भर
काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ब्लॉग और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चल धार कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो दाव रहता है जिससे बांस काटेंगे। तो कैसे धार कर रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो धार करने लगे हुए हैं, अभी उसी की सहायता से ये सब जो बांस है यहाँ काटेंगे। और गाइस इस जगह को साफ करके यहाँ पर एक छोटा सा किचन बनाएंगे, जो कि मेरे कुकिंग चैनल में रेगुलर वीडियो डालेगा उसके लिए यहाँ पर किचन बनाएंगे हम, क्योंकि देसी स्टाइल में हमको हमेशा कुकिंग करना है। चुके हैं जल्दी जल्दी वो सब सीट वगैरह और सब उस जगह को साफ करते हैं अच्छे से। और पापा तो पूरा रेडी छ रहा, पापा पकड़ के। तो टाइम लेस वीडियो रहेगा, जल्दी जल्दी आपको दिखाएंगे, फिर पूरा बन जाएगा उसके बाद फिर आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग। पेड़ को काटना पड़ेगा हम लोगों को, इसीलिए तोड़ के रख ले रहे हैं फल को। और ये पपीता पेड़ अब हो जाएगा कटिंग, बहुत सारा फल दिया बेचारा, अब आज कट जाएगा ये। तो हनुमान की गदा के जैसे उठा लिया आप तो पपीता पेड़ को, अच्छे से रख के आ जाना, गैया लोग खाएंगे। हाँ चलो चलो गाड़ो उसको। और एक ठो यहाँ जहाँ चीना लगाया वहीं जहाँ चीना लगाया वहीं पर गाड़ो, एक ठो गाड़ो ना पहले, उसके बाद बता रहा हूँ ना, गाड़ो जहाँ चीना लगाए थे वहीं रापा से खोद दिया है जहाँ। कर रहे हैं ये है मेजरमेंट, और किसी भी चीज़ में मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, वरना अच्छे से घर नहीं बन पाएगा। तो अभी फिलहाल चल रहा रस्सी की मदद से मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद फिर बांस गाड़ेंगे, फिर सीट चढ़ाएंगे। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग पे। ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम बांस, हमारे घर में बांस भी पड़ा है बहुत सारा, वो रहा बाड़ी में है, हरा भरा बाड़ी, और ये रहा हमारा बांस। हम आ चुके हैं, चल रही है बांस की कटिंग, जल्दी जल्दी काट लेते हैं उसके बाद उसको गाड़ लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बेशी वजह से वो दिख दे मारो अखन। बांस कटिंग भी हो गया, साफ भी हो गया, अब हम उसमें लगाएंगे डामर, ताकि ज़मीन में जब उसे गाड़ेंगे तो दीमक नहीं खाएगा और बांस जल्दी ख़राब भी नहीं होगा। तो मेरे घर में थोड़ा सा डामर है, एक रहा कच्चा डामर जो कि अभी मैं गर्म करके इसको पिघला रहा हूँ। तो इसको इसमें लेंगे, ये ब्रश मैंने बना लिया, फिर बांस में इसको लगा देंगे। तो डामर लग गया अच्छे से, तो अब डामर लग गया तो अब इसमें दीमक नहीं चलेगा उसको भगाने का। गाइस चारों हमारा खम्भा गड़ चुका है, अब उसके ऊपर में लगाने के लिए बांस कटिंग चल रहा है, उसको ऊपर में फिर लगाएंगे बांस को, फिर उसके ऊपर सीट डाल देंगे। बस मेहनत तो काफ़ी है, लेकिन हम लोग बहुत इन्जॉय करके बना रहे हैं, क्योंकि हमारा किचन बन रहा है ना, किचन बन जाएगा तो मैं रेगुलर कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको इस चैनल पे भी और मेरी डिश कुकिंग वाले चैनल पे भी मैं आपको दिखा पाऊंगा। तो चलिए अब मेहनत कर ही लेते हैं आज एक दिन का पूरा। स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, अब इसके ऊपर में हमको सीट चढ़ाना है। तो फाइनल अब आ गया काम सीट चढ़ाने का, तो अब ये जो सीट है इसको इसके ऊपर चढ़ाएंगे। तो चलिए टाइमलेस वीडियो रहेगा, आप देखते रहिए।
आप देख सकते हैं सीट चढ़ चुका है काफी मेहनत के बाद, 4 बज गए सौरभ। तो चलिए अब काम कंप्लीट कर लेते हैं पूरा, उसके बाद फिर आपको दिखाएं। गाइस हमारा देसी किचन तो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं ये रहा, बहुत ही बेहतरीन मैं बनाने वाला हूँ। आप लोगों को दिख रहा होगा कि बांस और सीट से बना रहा है, लेकिन जब बन जाएगा तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा देखकर, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल स्टाइल और समझ लीजिए हम लोग तो बंगाली हैं, तो हमारे कोलकाते में ऐसा ही किचन बनाया जाता है ज़्यादातर, तो मैं उस हिसाब से किचन बना रहा हूँ। और आप देख सकते हैं इधर चारों तरफ अभी बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, इसलिए काम रोक दिया गया है। हमने एक दिन में ही पापा और मैं मिल के इतना सारा किया, अपने वीडियो में देख लिया, तो अब वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ फ्लोरिंग वगैरह होगा, सब चीज़ होगा, और मेरा यहाँ पर चूल्हा वगैरह सब चीज़ बनेगा, जितना भी है प्लेटफॉर्म बनेगा, तंदूर बनेगा, बहुत सारी चीज़ें बनेगी इसमें, तो आपको मैं सब चीज़ दिखाऊँगा। फिलहाल तो मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, लगा हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों मैंने एक कुकिंग चैनल भी खोल लिया जिसका नाम है स्वादिष्ट कुकिंग चैनल, जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।